हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो अगर आपके वीवो के फोन्स में ओटीपी कोड आपको नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ का आप ओटीपी कोड लाना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं रहा है, वेरिफिकेशन कोड आ नहीं रहा है, तो आप उसे कैसे ला सकते हैं आपके फ़ोन में, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और पूरी देखते रहिएगा। देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर ओटीपी आता क्यों नहीं है। ओटीपी मान लीजिए आप अपने फेसबुक का ओटीपी लाना चाहते हैं, अपने इंस्टाग्राम का ओटीपी, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या किसी भी बैंक का ओटीपी आपको नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या होती है, या तो आपका जो सर्वर है, सिम कार्ड का सर्वर है, वो डाउन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप चले जाइए सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने ऐप्स में चले जाना है। तो ऐप्स में जाने के बाद देखिए, आपका जो सर्वर हो सकता है डाउन हो, एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपका जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का जो सर्वर हो सकता है वो डाउन हो। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, या फिर आपकी जो भी एप्लीकेशन है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर फेसबुक को चुन लेता हूँ, फेसबुक का समझ लीजिए मेरा ओटीपी नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, यहाँ पर परमिशन होता है, परमिशंस में आपको यहाँ पर देखना है, आपकी परमिशंस अलाउ होनी चाहिए। यहाँ पर परमिशन अगर आपकी ऑफ होगी, ये सारी परमिशंस आपको ऑफ ऑन कर देनी है, एक एक करके सारी परमिशन यहाँ पर आप अलाउ कर दीजिए इधर, ठीक है। तो आपको सारी कर देनी है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, और यहाँ आपको एक बार फोर स्टॉप कर लेना है। स्टोरेज में आपको यहाँ पर आके क्लियर कैचे कर लेना है, ठीक है। क्लियर कैचे कर लेंगे तो एक बार क्लियर डेटा भी आपको कर लेना है, मैं यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ लेकिन आप कर दीजिए, ठीक है। आपको आईडी पासवर्ड याद है तो ठीक है, बैक कर दीजिए। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत बार देखी गई है, सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो एक बार मेक श्योर कर लीजिए आपने आपके फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट किया है या फिर नहीं। देखिए, यहाँ पर मैं अपडेट आया हुआ है तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ, तो आप भी इसे कर लीजिए। सॉफ्टवेयर अपडेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक और बार ऐप्स में आ जाइए। देखिए, यहाँ पर आपको मैसेज की एप्लीकेशन आपको ढूंढ लेनी है आपकी, ये रही हमारी मैसेज की एप्लीकेशन, इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको सेम सारी परमिशंस इनेबल कर देनी है। देखिए, यहाँ पर सारी ऑलरेडी इनेबल है, तो अगर आप में सारी इनेबल है तो एक बार ऑफ कीजिए और सारी वापस से ऑन कर दीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पावर बटन को प्रेस करके, समझ लीजिए मैं यहाँ से ही कर दे रहा हूँ, रीस्टार्ट कर लेना अपने फ़ोन को, और उसके बाद आपकी जो भी एप्लीकेशन है उस पर ट्राई करना है आपका ओटीपी आ रहा है या फिर नहीं। देखिए, अगर अभी भी नहीं आता है तो आप या तो उस एप्लीकेशन के कस्टमर केयर में सपोर्ट टीम में कॉल कीजिए, या उनको मेल कीजिए, या फिर आपका जो भी सिम कार्ड है उनको एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, मेल कीजिए, कॉल कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। अल्लाह।